जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शांग वापस जिंदा हो गया है और वो जब क्वेंट रिंजी और बीबी डोंग से लड़ रहा था तब उसे बचाने जीवू आ गई थी जिसने अस्त्र स्पॉट का यूज कर दिया था। वो दोनों बहुत करीब आ गए थे और उनके दिल आपस में कनेक्ट होने लगते हैं जिससे अब धीरे धीरे तांग शांग को सब वापस याद आने लगता है। वो जीवू को गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने कैसे तुम्हें हजारों सालों तक का वेट करने दे सकता हूँ, भला मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम कभी अलग नहीं होंगे। जीवू समझ जाती है कि ये तो असरा गॉड का रियल इंटेंशन था कि उन्होंने मुझे ये डेमोनिक स्वॉर्ड दी ताकि मैं तांग शांग की स्वॉर्ड स्केबैट बनाकर हमेशा तांग शांग के साथ रह सकूं। इन दोनों के दिल अब मिलते हुए दिखाए जाते हैं और ये दोनों आपस में अब मर्ज हो जाते हैं जिससे डेमोनिक स्वॉर्ड की पार अब पूरी हो गई है। ये देखकर क्वेंट रिंजी हैरान हो जाती है कि आखिर एक इंसान गॉड के साथ कैसे मर्ज हो गया। वो असरा गॉड को कम्पीट करती है और इनकी एक बॉडी दो सोल है यानी एक जिस्म दो जान। अब तांग शांग की पार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो क्वेंट रिंजी और बीबी डोंग को चुनौती देता है और कहता है कि तुमने इंसानों के युद्ध में गॉड होने के बावजूद भी इंटरफेयर किया जिससे इंसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं गॉड लॉ एनफोर्समेंट होने के नाते तुम्हें अब सजा देता हूँ। तांग शांग यूनिफिकेशन टेक्निक गार्डियन स्पिरिट ऑफ तांग शांग और जीवू का यूज करता है जिससे आसपास उसी का ऑरा फैल जाता है और तांग शांग सी गॉड की पार का यूज करके क्वेंट रिंजी से लड़ने लगता है। आसपास तांग शांग के ऑरा ने ओशनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जिससे तांग शांग के पार और ज्यादा निकल कर आ रही है और वो क्वेंट रिंजी पर भारी पड़ रहा है। वो क्वेंट रिंजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे अपनी वाटर चेन्स में बांध देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बीबी डोंग आ जाती है जो तांग शांग पर हमला कर देती है। तांग शांग बहुत सारी अस्त्र स्वॉर्ड का यूज करता है और बीबी डोंग पर हमला करने चला जाता है। बीबी डोंग भी राक्षसा गॉड की ताकत जिसका नाम लॉ चाहेल है उसका यूज करती है। क्वेंट रिंजी एंजल गॉड की ताकत जिसका नाम एंजल फील्ड है उसका यूज करती है और ये दोनों तांग शांग पर हमला कर देते हैं। तांग शांग अब अस्त्र गॉड की फॉर्म में आकर इनसे लड़ रहा है और इनमें घमासान युद्ध हो रहा है और अब भी तांग शांग ही भारी पड़ रहा है। तांग शांग अब अस्त्र गॉड की फॉर्म में आकर इनसे लड़ रहा है और इनमें घमासान युद्ध हो रहा है और अभी तांग शांग ही भारी पड़ रहा है। फिर क्वेंट रिंजी गॉड टेक्निक जिसका नाम डिवाइन फायर पनिशमेंट है उसका यूज करती है जिससे वो एंजल फॉर्म में आकर तांग शांग पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन तांग शांग भी अपने अस्त्र डोमेन से उसको कैप्चर करने लगता है। वही बीबी डोंग राक्षसा अवतार में आकर तांग शांग पर अपना जोरदार हमला कर देती है लेकिन तांग शांग उससे उड़कर बचने लगता है और बड़े से राक्षसा गॉड को घायल करने लगता है। राक्षसा गॉड फिर गॉड टेक्निक जिसका नाम क्लामिटी कर्स है उसका यूज करती है जिससे तांग शांग के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर आने लगता है। तांग शांग भी अब गॉड टेक्निक ट्रेसलेस वॉइड का यूज करता है जिससे सी गॉड का बहुत बड़ा गुस्से वाला अवतार क्रिएट होता है और वो बीबी डोंग पर हमला कर देता है। उनमें बहुत लड़ाई चलती है लेकिन अब तांग शांग अकेला इन दोनों पर भारी पड़ रहा है। तांग शांग अभी तलवारों को इन पर छोड़ देता है और फिर गॉड टेक्निक असुरा का यूज करके बीबी डोंग को मारने लगता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा घायल होने लगते हैं और तांग शांग के आगे अब ये और नहीं टिक पा रही हैं। तांग शांग गॉड टेक्निक मैसेकर का भी यूज कर देता है जिससे एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बीबी डोंग को लगने ही वाली होती है कि तभी क्वेंट रिंजी एंजल शील्ड का यूज करके खुद उसके आगे आ जाती है। असल में तांग शांग सी गॉड और असरा गॉड दोनों की पार को यूज कर पा रहा है। हालांकि सिर्फ एक ही इंसान गॉड बन पाता है लेकिन जीवू तांग शांग के साथ सैक्रिफिशियल वे में फ्यूज हुई है और इसलिए ये एकदम परफेक्टली सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि तांग शांग और जीवू के बीच जो केमिस्ट्री है उससे यूनियन ऑफ टू गॉड्स जैसे चमत्कार संभव हो पाया। क्वेंट रिंजी और बीबी डोंग फिर से तांग शांग के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन अब तांग शांग के अंडर सारी सिचुएशन है और वो एक वहाँ साइक्लोन सा क्रिएट करता है और बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड को छोड़ देता है। अब इसको रोकने के लिए क्वेंट रिंजी आगे जा ही रही होती है लेकिन बीबी डोंग उसको साइड करके उसकी तलवार को खुद में समा लेती है जिससे वो खुद अब मृत्युशैया में चली जाती है और अब युद्ध खत्म हो जाता है क्योंकि वुहान एम्पायर की एम्प्रेस मर गई है। क्वेंट रिंजी अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए खुद की जान क्यों दे दी। तांग शांग के जीतने से सब बहुत खुश हैं और पूरे वुहान एम्पायर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है क्योंकि
फाइनली युद्ध खत्म हो गया है। सभी शेक डेविल्स तांग शांग के गले से लग जाते हैं और एम्परर ज़ू भी काफी खुश होते हैं क्योंकि उसने एक इंच भूमि भी दुश्मनों की नहीं होने दी और उसने अपने पूर्वजों की लाज बचाई। वो तांग शांग की जय जयकार लगवाने लगता है और ज़ीवू भी अब बाहर आकर द मिंग और अमिंग और अपनी माँ को याद करती है कि आप तीनों का बदला भी फाइनली पूरा हो गया। वही क्वाइन रेंज़ू कहती है कि अब तुम मुझे क्यों बचा रही थी। बीपी तोंग मरते मरते उससे पहली बार प्यार से बोलती है कि मेरा तुम पर एहसान था जो आज मैंने चुका दिया। हालांकि जरूरी नहीं कि तुम मुझे माफ करो, मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना और मुझे इसकी माफी नहीं मिल सकती। मुझे आशा है कि तुम अपने दिल से मेरे लिए हर तरह के गुस्से को निकालकर शांति से रह पाओगी। अब वो अपनी मरी हुई माँ को वापस वुहान एम्पायर में ले जाती है और तांग शांग युद्ध खत्म होने की घोषणा करवा देता है। अब हर तरफ खुशी का माहौल है और पूरे शहर पूरे एम्पायर में उत्सव मनाया जाता है। तांग शांग जिस गाँव में पैदा हुआ था उस गाँव का नाम बदल कर गॉड स्पिरिट विलेज रख दिया जाता है और फिर कुछ दिन बाद हम बहुत सारे बच्चों को लोगों को श्रेक एकेडमी में आते हुए देखते हैं जो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर वहाँ बने हुए मैरिज हॉल में जा रहे हैं। वहाँ सभी गॉड्स जैसे सी गॉड, असुरा गॉड, फूड गॉड, गॉडेस ऑफ नाइन कलर्स को भी बुलाया गया है। असुरा गॉड जो कि सभी गॉड्स में सुप्रीम है वो भी यहाँ आए हैं। सी गॉड जब लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे थे और असुरा गॉड को देखते हैं तो मजाक वाले सेंस में कहते हैं कि ये फिर से आ गया। सी गॉड और असुरा गॉड में मजाक वाला हेल्थी रिलेशन है। अब सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और दूल्हे दुल्हन को यहाँ बुलाया जाता है। वहाँ इतने सुंदर अरेंजमेंट में फिर मिस्टर दाई और कैट गल आते हैं। मोटू और जियांग आते हैं। मोटू कहता है कि मैं शादी के बाद हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे लकी लड़की होने का अनुभव दूंगा। निंग रोंग रोंग और ऑस्कर आते हैं और फिर फाइनली तांग शांग और ज़ीवू आते हैं। तांग शांग ज़ीवू से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और फिर फाइनली इनकी अब शादी हो रही है। तांग शांग ज़ीवू को अपनी बाहों में ले लेता है और ये सभी रिचुअल्स को फॉलो करते हुए शादी करते हैं। श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स बहुत खुश होते हैं और तांग हाओ और आयन भी अपने बेटे की शादी को देखकर खुश हैं। बहुत सारी आतिशबाजी वहाँ की जाती है और वहाँ तांग शांग पॉइजन मास्टर ओल्ड स्वॉर्ड और ओल्ड निंग की भी सोल को देखता है। अब फिर फाइनली ये सोल लैंड सीजन 2 खत्म हो जाता है। गाइस, सोल लैंड की कहानी अब खत्म हो गई है लेकिन इसका सीजन 3 जल्द ही रिलीज होगा जो आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हो। हम उसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।